का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्किल इंडिया ने कहां के नर्मदा कला को पुनः जीवित किया है साथियों? तो जम्मू कश्मीर का ये नर्मदा सिल्क कला है जिसे स्किल इंडिया ने पुनः जीवित किया है। तो साथियों अब जम्मू कश्मीर का ये है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारू सुदर नदी पर है, और किस कहां पर है ये साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है साथियों? तो ओपन काइलिन खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों चीन ने लॉन्च किया है। किसने किया लॉन्च? तो चीन ने। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चाइना है, और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। चाइना ने स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रमों के शिक्षण को रोक लगाने की घोषणा की है। चीन की सीमा साथियों सबसे अधिक देश 14 देशों से लगती है। कितने से लगती है? 14 देशों से। साथियों हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है। साथियों दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू किया है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जिन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है साथियों। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्य जीव अभ्यारण, गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण, मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। साथियों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो भगवान हनुमान को साथियों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने साथियों कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। अब साथियों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन में साथियों कौन कौन से कप या ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो नागर कप, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन में दिया जाता है। हॉकी में बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे कप और ट्रॉफी दिए जाते हैं हॉकी में साथियों। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप ये दिया जाता है फुटबॉल में साथियों। किस में? तो फुटबॉल में। देखो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिनटन वारिया ट्रॉफी साथियों ये दिया जाता है क्रिकेट में। ब्रिज साथियों, ब्रिज में दिया जाता है राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी ये ब्रिज में दिया जाता है। पोलो में दिया जाता है एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिकल कप दिया जाता है पोलो खेल में साथियों। साथियों पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों गोल्फ में दिया जाता है बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये दिया जाता है किस खेल में? तो गोल्फ में दिया जाता है।
अब अगला प्रश्न आपका है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है साथियों? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है रुपए में साथियों। अब बांग्लादेश के साथ किया है साथियों, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन साथियों। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। साथियों भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों देखो, बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में होता है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। साथियों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है टाइगर श्रॉफ सैन्य अभ्यास। किसके बीच होता है? तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। और अगर टाइगर ट्रंप पूछे तो ये किसके बीच हो जाता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गोवा के साथियों मुख्यमंत्री ने किया है। अब गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है साथियों। आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो भी जानते हो वो सारी बातें बतानी है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब गोवा ने साथियों किया है आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा की स्थापना हुई 30 मई को। क्यों साथियों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नंदा झील भारत के गोवा में साथियों स्थित है और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन मिरीमारा बीच पर गोवा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में होगा। और हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा साथियों, हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत किस देश के मार्सिले शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा साथियों? तो मार्सिले शहर फ्रांस में है और फ्रांस के साथियों मार्सिले शहर में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और फ्रांस में खोजेगा साथियों। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। साथियों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, तो उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न वर्तमान में फ्रांस की प्रधानमंत्री है और यह पहली महिला प्रधानमंत्री भी है फ्रांस की। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है साथियों इंटरपोल का हेडक्वार्टर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है साथियों। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है साथियों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है साथियों। वरुण सैनाभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। टाइगर ट्रंप सैनाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। हैंड इन हैंड सैनाभ्यास होता है भारत और चीन के बीच साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दुनिया का कौन सा शहर सबसे कम रहने योग्य शहर में चुना गया है साथियों? तो कराची दुनिया में साथियों सबसे कम रहने योग्य शहर में चुना गया है। अब कराची पाकिस्तान का एक शहर है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो ऐवान ए सदर में रहते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति साथियों। अगला साथियों देखो, टॉपिक हमारा क्या है कि बहुत सारे महोत्सव और नृत्य आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो वही मैं लेके आया हूँ रिवीजन में आपको साथियों। तो ओनम महोत्सव केरल में होता है, खनाची उत्सव त्रिपुरा में, आम महोत्सव लखनऊ में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, आदि महोत्सव नई दिल्ली,
आदिपुरम महोत्सव कहाँ लगता है? तमिलनाडु में लगता है साथियों आदिपुरम महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई। खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद साथियों। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। मेला माघी ये कहाँ लगता है? तो पंजाब में लगता है साथियों। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ लगता है? तो नई दिल्ली में साथियों स्वर धरोहर महोत्सव। लोसर महोत्सव लद्दाख साथियों कहाँ पर? तो लद्दाख में लगता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नुआखाई महोत्सव ओडिशा। बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ लगता है? तो कुरुक्षेत्र में साथियों। संगाई महोत्सव मणिपुर। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। शिथोन स्नो फेस्टिवल साथियों जम्मू कश्मीर में लगता है। शिथोन स्नो फेस्टिवल। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों लगता है।